Hey, what's up everyone and welcome to Realme Diary। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कॉल टू एस 6.3 के बारे में। तो मैं जो इसमें डिटेल रिव्यू, मतलब जैसे कॉल की जो खुद की सेटिंग्स है उसके बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको वो जानना है क्या क्या कैसे वर्क करता है, तो आप जो है मेरे पुराना कॉल टू एस का 6.2 का वर्जन का जो है रिव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं चेंज लॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो का ज़रूर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, मैं जाऊँगा सीधा अबाउट फ़ोन में। अगर गाइज आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है कॉल टू एस को इंस्टॉलेशन का, तो आप ज़रूर देखना। मैंने उसमें बताया आप कैसे बिना फॉर्मेट करे हुए इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो मैं यहाँ पे अबाउट में जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा ऐसे चेंज हुए एनिमेशन में, आपको यहाँ पर भी एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो अबाउट फ़ोन में यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगस्त का बिल्ड देखने को मिलता है, अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है 5 अगस्त का, जो कि अब लेटेस्ट ही है। और यहाँ पर कर्नल जो है मैंने IRB का यूज़ किया है, तो बताऊँगा ये मुझे कैसा लगा। मैं इसको एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको बताऊँगा कैसा लगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अभी चेंज लॉक्स के बारे में बताऊँगा। आइकन जो है मैं इनेबल कर सकता हूँ, और यहाँ पर वोल्ट के आइकन तो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सारे आपको देखने को जो है मिलते हैं। कॉल टू का जो है डिफ़ॉल्ट वो शायद मेरे ख्याल से अभी ऐड करा है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो एनिमेशन आपको आइकन जो है देखने को मिलते हैं। तो मैं अगले चेंज की बात करूँगा जो है म्यूज़िक से रिलेटेड, हेडसअप। तो यहाँ पर देखिए मैं एक म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ, साउंड मैं कर लेता हूँ एकदम ज़ीरो। हाँ, तो मैंने साउंड ज़ीरो कर लिया है, और मैं अपना एक म्यूज़िक प्लेयर ओपन कर लेता हूँ, स्पॉटिफाई मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई गाना चला देता हूँ ये वाला, और इसको मैं अभी लास्ट में करता हूँ। जैसे अब गाने का जब एंड आएगा, तो यहाँ पर गाने आपको हेडसअप दिखेगा, एक ये देख सकते हैं। तो गाना एंड हो गया, तो यहाँ पर आप इसे प्ले पॉज भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉक चेंजेस के बारे में। तो अगला जो है वो है ऐड बटन फॉर फ्रीडम विंडो। तो यहाँ पर जो है आपकी फ्री फॉर्म विंडो तो ऐड करेगी। आपको कैसे इनेबल करना है, आप सीधा एक काम करिए, तो यहाँ पर जो है सर्च कर लीजिए। तो आप जो सर्च करेंगे यहाँ पर सर्च करिए फ्री, तो फ्री में ही आ जाएगा इनेबल। तो यहाँ पर आपको सीधा ले जाएगा और इसको इनेबल करना। तो आपको कैसे इनेबल करना है, आप क्या करना है, तो आप इसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस रखेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको करना है स्प्लिट कर देना है, ठीक है। आप स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको फ्री फॉर्म विंडो दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर मुझे जो है स्प्लिट में जाना दोबारा, तो यहाँ पर मैं सिंगल टैप करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोई भी जो है एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इस पर लॉन्ग टैप करूँगा तो स्प्लिट में आ जाएगा। तो यही है फ्री फॉर्म विंडो। तो अपने अगले चेंज पे चलते हैं। यहाँ पर जो है ऐड करा गया है टॉगल, जो आप जैसे आप क्लिक करते हैं कॉपी करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एक पॉपअप के थ्रू। तो ये देखिए मैं प्ले स्टोर में करके दिखाता हूँ, एक इशू भी दिखाऊँगा आपको मे बी अगर हुआ तो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे एंटरसेंट टाइप कर देता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ रहा है, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है, और यहाँ पर मैं होम कर दूँगा, तो देखते हैं वो होता है नहीं। तो अभी नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ और इसको सर्च कर दूँगा। तो मैंने कॉपी करा है, तो यहाँ पर जो है कभी कभी दिखाता है कि गूगल क्रोम ट्राई टू एक्सेस योर क्लिपबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये कभी कभी दिखाता है, अभी तो नहीं दिखा रहा, मैंने बोला था क्या पता दिखा दे। तो कुछ देर पहले भी मैंने जब यूज़ किया था तो ये दिखा रहा था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चेंज के बारे में। तो यहाँ पर जो तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सीधा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद जाऊँगा कॉल्ट में, और यहाँ पर सिस्टम में जाऊँगा, और यहाँ पर कॉल डेकोरेशंस में जाऊँगा, और यहाँ पर जाऊँगा थीम्स में।
तो यहाँ पर इसको अभी परमिशन दे देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको वन प्लस का वॉच फेस देखने को मिलेगा। तो ये देखिए वन प्लस के दो वॉच फेस जो हैं ऐड करें, मे भी एक और है। तो यहाँ पर कुछ हाँ चार पांच ही हैं, तो यहाँ पर कुछ जो है वन प्लस के वॉच फेसेस जो है ऐड करे गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चेंज के बारे में। तुम्हारा नेक्स्ट जो है वो है आप रैंडम सेटिंग्स में डैशबोर्ड को जो है कलर चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आइकन्स, तो आप ये चेंज कर सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं सीधा दोबारा कॉल्ट में और डेकोरेशंस में। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स डैशबोर्ड्स आइकन्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो मैं एक आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर भी मैं कर दूँगा रैंडम कलर कॉल्ट, ठीक है रैंडम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैं जो है ये देख सकते हैं आपको थोड़ी सी ओरियो वाली फीलिंग आ रही होगी, अगर ये ग्रे हो जाएगा तो ग्रे भी हो जाएगा प्लेन रखेंगे तो। तो अब ये देखिए चेंज होता रहेगा, मैं स्विच करता हूँ तो ये देखिए चेंज हो रहा है, मैं स्विच करता हूँ तो ग्रीन हो गया, तो ये चेंज होता रहता है। और एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल्ट की सेटिंग्स में आपको ये नीचे जो बॉटम में एक तरह से थीम है, तो ये भी थीम जो है चेंज होता रहेगा। ये देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर जो लिखा है नीचे, तो ये भी जो है चेंज होता रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको देखने पड़े, आप खुद देखना आपको पसंद आए तो आप लगाना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चेंज में। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी फिक्स कर दी गई इन्होंने, ऐसा कहा है। खैर मैंने रिकॉर्डिंग चेक नहीं करी अभी भी, तो रिकॉर्डिंग जो है इन्होंने फिक्स कर दी है। एक दिक्कत जो काफ़ी रूम्स में लगी है, जो आपका जो है कॉल जहाँ पर कॉल करते हैं, तो कोई भी कॉल आई आपने करी एक रैंडम नंबर से या कोई सा भी अपने कॉन्टैक्ट में सेव है, तो यहाँ पर होता क्या है रीसेंट में जो है आप रीसेंट कॉल में उस नंबर को जो आ जाना चाहिए लेकिन वो आता नहीं है, आप दोबारा कॉल करेंगे तब वो आता है। तो ये इशू काफ़ी रूम्स में मैंने देखा है अब तक, ऐसा नहीं इसी डिवाइस पे, काफ़ी डिवाइसेस पे मैंने देखा है, तो ये इशू जो है हो रहा है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं बैटरी की कि मुझे RIB कर्नल के साथ कितनी बैटरी देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, तो एक्टिव ड्रेन आप देख सकते हैं 11% का है पर आर, तो आइडियल तो इतना नहीं है। आइडियल आप शुरुआत में जब कर्नल फ्लैश करेंगे तो होगा ही होगा, दोनों ही चीज़ ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर जो आइडियल ज़्यादा नहीं है लेकिन एक्टिव ड्रेन बहुत है। तो मैंने गेम तक नहीं खेला, अगर पबजी खोला तक नहीं है अभी भी, वैसे मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल करा है, मतलब 100% कर लिया था, उसके बाद मैंने पबजी नहीं खोला है कल से। तो स्टैट्स आप देख सकते हैं, डेढ़ घंटा मैंने ये चला तो 18% बैटरी। और मैं बात करूँ पिछली बार कॉल्ट में मैंने शायद डेढ़ घंटा यही चलाया ही था, ज़्यादा चलाया था तो 9% बैटरी का ड्रेन हुआ था, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा ड्रेन हो रहा है लेकिन इस कर्नल की वजह से, लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं है। तो ये नहीं है कि यार मैंने ऐसा बोला RBI में ऐसा हो रहा है तो आप स्टॉक मत यूज़ करिए, स्टॉक आप यूज़ करिए, स्टॉक में जो है काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस और गेमिंग भी आपको देखने को अच्छी मिलती है। और स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डर आपको OS का मिल, OS का मिलता है, लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं आता उसका, थोड़ा सा गेम लैग होता है। अगर आप चाहे 60 FPS पे खेल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन लगा के GFX से जैसे भी, तो आउटपुट अच्छा नहीं आता, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लैग मिलता है। और यहाँ पर बैटरी तो मैंने आपको दिखाई दी और काफ़ी अच्छी है। कैमरा मैं ऑन फायर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही ऑन फायर में। और गाइज आपने मेरा पिछला वीडियो मतलब इंस्टॉलेशन का नहीं देखा तो देख लेना। और मैं खैर गेमिंग नहीं करने वाला अभी इसमें, तो फ़ोन थोड़ा हीट ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं गेमिंग नहीं करने वाला, फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है। और इस कर्नल की वजह से मैं इसको चेंज करूँगा RBI को, RIB जो भी है ये। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी ये वीडियो थी। और गाइज अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, चार्जिंग इसमें बहुत स्लो है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप चार्जिंग देखिए, 1 घंटा 19 मिनट में ये फुल चार्ज हुआ था, और मैंने इस बार का इसलिए दिखाया क्योंकि स्लो है, ठीक है। और मैंने एक CR ड्रॉइड का भी किया था, उसमें इतना टाइम लगा था, उसमें 12 मिनट में हो गया था, 1 घंटा 12 मिनट में हो गया था। ऐसे टाइम अब मुझे याद नहीं, मैं हर रूम का लेकिन करता हूँ, मैं मुझे लग रहा मैं हर बार दिखाऊँगा, जब स्लो होती है मैं तभी दिखाता हूँ, वैसा तो नहीं है, मैं एक दो रूम में भूल चुका हूँ, इसका मुझे याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें चार्जिंग स्लो है, ठीक है। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।